आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। ये संपूर्ण डेयरी ज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस है, तो इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ये बफेलो का ब्रीडिंग सीजन अब स्टार्ट हो गया है। सितंबर से मैं यहाँ हूँ देहरादून में, तो आप अपने बफेलो को आप हीट में कैसे लाएंगे? बफेलो को हीट में लाने के लिए आप पहले तो उसे मिनरल मिक्सचर दीजिए और ये बायोप्लेक्स की गोली आती है वो देना शुरू कर दीजिए, और उसके साथ साथ उसमें रिसेप्टर 5 ml लगाइए। 5 ml रिसेप्टर आप जब लगा देंगे उसके 10 दिन के बाद फिर आप रंगमा लगाइए या स्ट्रूमेट लगाइए या वेटमेट लगाइए, 2 ml आप लगा दीजिए। उसके बाद उसके 48 घंटे बाद फिर रिसेप्टर लगा दीजिए, और जब वो हीट में आए चिल्लाने लगे डोंकरे करे तो आप उसे यही करा दीजिए। तो इस तरह वो जो है दोबारा 2.5 ml रिसेप्टर लगाने पे वो करीब 18 से 24 घंटे के बीच में आप उसकी यही कर सकते हैं। अगर वो हीट के साइन ना भी दिखाए तब भी आप यही कर दीजिए, उसमें ओवुलेशन होगा। तो इस तरह से आप भैंस को ला सकते हैं। इसमें अगर आप प्रोगा हीटर लगाएंगे तो प्रोगा हीटर लगाने से ऐसा हो सकता है कि दूध से वो भाग जाए, और अगर उसकी बच्चेदानी में मवाद है तो वो हीट में नहीं आएगी। तो इसके लिए आप उसको पहले टेफ्रोसेफ का इंजेक्शन 3 या 4 लगा दीजिए, तो उसका जब बच्चेदानी में मवाद नहीं होगा या बच्चेदानी में इन्फेक्शन नहीं होगा तभी वो हीट में आती है, वैसे हीट में नहीं आती। बफेलो बड़ा इम्पोर्टेंट पशु है, आपने को मैंने बफेलो के बारे में बताया, और इसका ब्रीडिंग सीजन होता है, ये ब्रीडिंग सीजन है सेप्टेम्बर अक्टूबर नवम्बर दिसंबर जनवरी, और उसके बाद ये ब्रीड नहीं करती है, निश्चर्ष में चली जाती है। धन्यवाद, आपने सुना, आप इसके ब्रीडिंग सीजन का लाभ उठाइए, और आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं प्रोफेसर सैया हूँ, मेरा टेलीफोन नंबर 8979748686 है।